हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल इंस्टाटेक। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि HDFC बैंक का हम PDF कैसा ओपन कर सकते हैं। तो HDFC का आपने स्टेटमेंट डाउनलोड किया, उसका पासवर्ड आपको नहीं पता चल रहा, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको शुरुआत से बताने वाला हूँ कैसा आप डाउनलोड कर सकते हो और पासवर्ड क्या होता है। तो चलिए, मैं आप लॉगिन हो जाता हूँ और उसमें आपको मेरा स्टेटमेंट डाउनलोड करके दिखाता हूँ, क्या हमको डालना है क्या नहीं डालना है सब आपको मालूम पड़ेगा। दोस्तों, अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। तो अपना HDFC में लॉगिन होने के बाद पहले मैं अपना डाउनलोड कर लेता, उसके बाद आपको खोल के दिखाऊंगा लाइव। 2 मिनट का वीडियो आपको इसमें मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं, हम अपने उस पर PDF डाउनलोड कर लेते हैं और उसको फटाफट खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो हमको कब तक का चाहिए, हम 3 मंथ का ले लेता हूँ। पहले मैं हमारा अकाउंट सेलेक्ट कर लेने का है और यहाँ आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, स्टेटमेंट में मैं अभी क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको खोल के दिखाऊंगा PDF, आप देखते रहिए लास्ट तक का। तो स्टेटमेंट में डाउनलोड करने के बाद यह हमको रिक्वेस्ट स्टेटमेंट शो हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट स्टेटमेंट में कितने मंथ का चाहिए, रीजन, ट्रांजैक्शन, करंट मंथ, 1 अगस्त, जो भी हमको चाहिए कितने ही महीने का, आप इधर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ईमेल पे आने के बाद हम उसको आपको खोल के दिखाएंगे। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिस फाइल इज प्रोटेक्टेड लिखा है, तो हमको कस्टमर आईडी डालने का, ओपन पे क्लिक करने का है। तो आपको नहीं मालूम है कस्टमर आईडी कैसे निकालना है, नीचे आप देख सकते हो वीडियो जाके। और आपको नहीं समझ में आ रहा कस्टमर आईडी क्या होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता डालूँगा। और आपको नीचे वीडियो का लिंक भी दिया हो।